आपके पिताजी की फोटो होती तो क्या कहते हो? फोटो है? आप क्या कहते हो? ये हमारे पिताजी हैं। आप शादी का एल्बम देखते हो तो क्या कहते हो? कि ये भाई की फोटो है। नहीं बोलते हो, कहते हो भाई हैं, भाभी हैं, जीजाजी हैं, जीजी हैं, सब रिश्ते बताते हो। अरे वहाँ के रिश्ते तो बेईमानी के हैं, कौन कहता है कि खिदमत के लिए रिश्ते होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, क्योंकि ये रिश्ते सच्चे नहीं हैं। महीना भर बीमार पड़ जाओगे तो जिनकी लंबी उम्र की कामनाएं मंदिर में की थी, वही बच्चे मंदिर में आकर कामना करेंगे कि भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। लेकिन उससे रिश्ता बनाओ जो सधर्मिक हो, और अपना समर्पण उनके लिए करो जो तिर गए हैं। ना निंदिया नाथ विवांत वैरे, कहते हैं ना निंदा है और ना बैर की भावना है जिनके लिए, उनसे एक बार रिश्ता बना लो तुम, फिर तुम्हें कोई रिश्ते की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार सोचो, इतनी दौड़ धूप क्यों, इतने राग द्वेष क्यों? क्योंकि कृष्ण लेसा अशुभ सबसे खराब लेसा है, और उसका परिणाम वाला कसायों से बिल्कुल भी मुक्त नहीं होता है। वो या तो मरना चाहता है या मारना चाहता है, वो उसे निरंतर कसाई में चलता है। और ऐसा व्यक्ति नियम से नरक जाता है, और नरक नहीं जाता, जीते जी भी नरक बनाता है। आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्तियों को मंदिर में ले आओ तो भी कहेंगे ये गलत काम हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, बेकार पैसा लगा दिया, यही सब देखेगा। मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुगाए, के ऊंघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। आप आज से अपने आप को बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? अपने परिणामों में तीव्र कसाई को मंद कसाई में करो। यदि आपसे किसी का झगड़ा हो गया तो सोचो अच्छा हुआ इसकी पहचान हो गई, लेकिन झगड़ा नहीं करना। कल के रोज ये सिद्ध बन गया। हर परमात्मा आत्मा हमारी परमात्मा की शक्ति लेकर आई है, और आप सब परमात्मा बनेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि यदि परमात्मा नहीं बनते, हम भव्य नहीं होते, तो आप लोग पूजा में नहीं बैठे होते, आप लोग आहार दान नहीं कर पाते। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए, के ऊंघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। या तो नींद आ जाएगी उसे, या तो लड़ेगा, और या फिर उठ के घर ही चला जाएगा। लेकिन आप तीनों में से नहीं हो, इसका मतलब आप भव्य हो। हम लोग क्यों निराश होते हैं? माता जी हम तो गृहस्थी में हैं। हमने कहा माना कि गृहस्थी उसे कहते हैं जो एक बार ग्रस ले, फिर जहाँ से अस्थियाँ ही निकलती हैं, जीते जी नहीं निकलता था, लेकिन मन से जीते जी निकल सकता है। आप घंटे दो घंटे निकलते भी बहुत अच्छे लोग आप लोग, लेकिन हमेशा भाव बनाओ कि हम मरने के पहले तीर्थों पर तो जाएंगे, लेकिन स्वयं को तीर्थ बनाएंगे। मंदिर में जाकर जिस प्रकार से अभी तक कोई दुकान में दिल छोड़ाते हो, इसी प्रकार से परमात्मा के दरबार में दिल छोड़ाएंगे। देखो घर जाना पड़े तो कोई बात नहीं, इसी प्रकार से आप और भी, कृष्ण ने नील कापोत नील लेस्या वाला भी कसाई रखता है, लेकिन कृष्ण से कम होता, लड़ेगा बिड़ेगा, मारेगा पीटेगा, छोड़ देगा और छूट जाएगा। कापोत लेस्या वाला शिकायतें सिकवे करेगा, लेकिन पीत लेस्या वाला तो आपकी तरह बैठकर धर्म ध्यान करेगा। आप लोग सब पीत लेस्या वाले हैं। धर्म ध्यान हो सकता है श्रावक की भूमिका में, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, यही धर्म ध्यान एक दिन शुक्ल ध्यान में कारण बनेगा। छोटा बच्चा होता है, उसे हाथ पकड़कर चलाते हो, बड़ा होकर चलने लगता है।
अपने आप चलने लगता है। जब तक हमारा मन चंचल है ग्रस्त में है, तब तक उसकी उपयोग की एकाग्रता बनाने के लिए आप पूजन अनुष्ठान करते हो, आप गुरुओं की सेवा करते हो, आप वैयावृत्ति करते हो, आरचर्या में रहते हो। मैं तो यही सोचती हूँ कि हम जितना पुण्य 23 घंटे में कमाते हैं उतना पुण्य तुम एक घंटे में ले जाते हो। तुम लोग व्यापारी लोग हो, बहुत अच्छे से जानते हो व्यापार करना, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं कि जो मुनि को आहार देता है वो नियम से निर्वाण की प्राप्ति करता है। अब आप लोग ये मत सोच लेना कि वहाँ चलेगा तो घर छूट जाएगा, इससे अच्छा दो मत। क्योंकि हर आदमी साधु संलाप कर लेता है, मंदिर में जाकर जाप कर लेता है, इंसान से कहीं भगवान न बन जाए इसलिए थोड़ा सा पाप कर लेता है। क्योंकि आदमी डरता है मोक्ष, तो तुम लोग झूठे बोलते हो कि भगवान मोक्ष मिल जाए मोक्ष मिल जाए। सच बताना, अभी हमारा अंतिम दिन आ जाए तो मोक्ष जाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक है आप शारीरिक सुरक्षा को जाओ, लेकिन जीते जी आत्मा का उपचार कराओ, और मरने के बाद हम लोग नहीं जाएंगे, उस मूर्ख की तरह नहीं करेंगे जो सेठ के कहे अनुसार। एक सेठ जी के यहाँ एक नौकर था, तो जब नौकरी पर रखा कहने लगा बाबूजी रख लो, कोई मेरी तनख्वाह ज़्यादा नहीं। उन्होंने की क्या तनख्वाह है? कहने लगे दो टाइम की रोटी दे देना और साल में चार जोड़ी कपड़े दे देना, कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो खाऊं पीऊंगा रहूंगा तो तुम्हारे यहाँ। सेठ ने सोचा इतना अच्छा नौकर कब मिलेगा, तो रख लिया। एक दिन सेठ जी की पत्नी बीमार हो गई, वैसे भी वो थोड़ा मंदबुद्धि था तो हर बात में पूछता था। सेठ बोला एक दिन पानी लाओ, तो बोला गर्म लाऊं ठंडा लाऊं? खुद भी लगा लिया कर, जितना बोले उतना ही किया कर, अपना दिमाग से भी कुछ काम किया कर। तो बोला ठीक है सेठ जी, अब से दिमाग लगाऊंगा। रात को सेठानी बीमार हो गई, सेठ जी ने सुबह का डॉक्टर को बुला ला, वहाँ रहता है डॉक्टर, पता लिख के दिया। और जब तक तो डॉक्टर नहीं आया तब तक तो पूरी पंचायत कंधा पर कपड़ा डाल डाल के आ गई। सेठ ने कहा क्यों डाल के आ गई सारे? बोला सेठ जी आपने कहा था अपना दिमाग लगाना, मैंने अपना दिमाग लगाया, सोचा मर गई तो लोगों को कहते तो चलो दोबारा कौन आएगी, यदि मर गई तो ये लोग काम आएंगे और जीती रही तो डॉक्टर को मिले या ये काम आएंगे, दोनों काम, जिसकी जरूरत पड़ेगी वही काम दे देगा। आप समझ गए, ऐसे मूर्ख हमारे इंद्रियों के भी नौकर ऐसे ही मूर्ख हैं। लगता है कुछ तनख्वाह नहीं लेते हैं लेकिन बेइज्जती करा देते हैं, समझ गए, इज्जत खराब कर देते हैं और दुर्गति में ले जाकर पहुंचा देते हैं। हम समझदार नौकर रखें, हम नौ इंद्रियों के नौकर नहीं बन जाए, इंद्रियों के गुलाम नहीं, इंद्रियों पर लगाम रखें। आप कहोगे खाना छोड़ दें, कभी कभी आपने देखा औरतें नमक छोड़ देती हैं, लेकिन नमक छोड़ देंगी दो दिन पहले से नमक की तैयारी करेंगे, समझ गए क्या क्या बनेगा उस दिन, इसकी प्लान बनाएंगे। मैं कहती हूँ उससे अच्छा खा लो खाना हो तो, और यदि नहीं खाना है तो उस दिन फिर जो चीज खाना जो मिल जाए वो खा लो, ये त्याग है। तो आप अशुभ लेस्याओं से बचेंगे, शुभ लेस्याओं में लगेंगे। और अब तो साइंस भी इतनी तरक्की कर गई, जैसे कि आपने देखा होगा मरने के बाद हमारा आभामंडल संकुचित हो जाता है। यदि पुण्यशाली जीव होगा तो 5-5 फुट का आभामंडल रहेगा। आप सोचते माता जी जिससे दुश्मनी है उसके सामने क्या शुभ परिणाम करना, अरे उसके सामने भी शुभ परिणाम करो, वो एक दिन दुश्मन से दोस्त बन जाएगा। मैं कहती हूँ हमेशा कि दुश्मन को 1000 मौके देना दोस्त बनने का, लेकिन दोस्त को एक मौका भी मत देना दुश्मन बनने का। कोई बात हो जाए तो छोटी मोटी बात के लिए क्या, छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा,
इसलिए जिंदगी में खार बिछाई किस लिए। जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोए क्यों, और जिस पल में हम अमृत हो सकते उस पल में विस्मोए क्यों। लोग कहते हैं बच्चों के लिए तो चिंता करनी पड़ती है, हमने कही चिंता करोगे तो अशुभ का बंद होगा, असाता का बंद होगा, और चिंतन करोगे तो साता का बंद होगा, पुण्य का बंद होगा। अपने आवा मंडल को ऐसा बनाइए कि ये नहीं कि कोई आकर मेरे पास बैठ जाए, नहीं, आप इतना शुभ बनाइए कि एक एक व्यक्ति यदि शुभ परिणाम लाएगा सबका भला हो, घर के सब लोगों का भला हो। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जब घर में कलेश होता है तो दिन पर दिन समस्याएं बढ़ती जाती हैं, और जब शांति होती है तो शांति में समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऊंची कोठी मत बनाना, बना ली हो तो दोष भी मत देना, लेकिन मैं कहती हूँ पहले कमरे होते थे, एक कमरा में माँ बाप दादा दादी और 6-7 बहन भाई रह लिया करते थे, और कोई मेहमान आ जाए तो उनकी भी बड़े प्यार से खातिरदारी कर दिया करते थे। अब इंसान कम और कमरे ज़्यादा हो गए। पहले हम इंसान को बैठाते थे कि कोई आ जाए तो सम्मान करना उसका, अब कुत्ते को बैठाते हैं कि कोई अंदर नहीं आ जाए। और कुत्ता भी बड़ा वफादार होता है तुम्हारा, भौंकता भी और पूछ भी लाता है, सोचता है मालिक का दोस्त होगा तो पूछ काम आएगी और दुश्मन हुआ तो मुंह काम आएगा। ध्यान रखना, एक बार एक मेयर की शादी हुई, वो पत्नी को लेकर अपनी बंगले पर गया, अब कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ते को तो पत्नी नहीं नहीं नजर आई तो भौंक रहा था। मेयर ने कहा भौंकना बंद कर, एक भौंकना बंद कर। आप समझ गए, आपकी आदत ऐसी पड़ जाती है कि दूसरों को छोटे लोगों को डांटते डांटते घर पर भी डांटने लगते हो। अरे दिन भर में थोड़ी बहुत देर को आते हो, चिंताएं इतनी हैं तुम लोगों को, अपनी इतनी टेंशन है, शुभ लेस्याओं को करो, हमारी पीत पद्म लेस्या होगी तो भविष्य में शुक्ल लेस्या भी होगी। बाल काले हों या सफ़ेद हों, दिल को सफ़ेद रखना, क्योंकि बाल सफ़ेद हो जाते हैं दिल काला का काला ही बना रहता है। तो चलिए आपका समय हो गया, क्योंकि सत्य और ईमान सुस्ता गए, धर्म और विज्ञान सुस्ता गए। हकीकत यह है कि भूखे पेट को तो रोटी में भगवान सुस्ता गए। तो आपको कहा था कि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, रूस में किर्लियान की फोटोग्राफी इतनी तरक्की कर ली उसने कि उसके सामने से चोर बेईमान लोभी क्रोधी, आप क्रोधी गुस्सेल कहते हैं वो लोग, कि ऐसा व्यक्ति गुजरेगा तो जो आपको पता ईसीजी की जिस प्रकार से लाइनें आती हैं, इस प्रकार से यदि जिसका आभा मंडल गलत है उस मशीन के आगे से गुजरेगा नकारात्मक व्यक्ति, तो उसकी लाइनें आगल पागल ने जैसे लाइनें खींची हों वैसी आएंगी, और सकारात्मक व्यक्ति शुभ परिणाम वाला, हम शुभ कहते हैं, हम शुभ परिणाम वाला व्यक्ति गुजरेगा तो बिल्कुल सीधी लाइन जैसे स्केल से खींची हों। तो हम ये तो फोटोग्राफी है, हमारी चेतना तो पाप तो हमारे दिल से हो जाता है, पाप तो तुरंत कैमरे में हो जाता है, अपराध और अनाचार तो क्रियाओं में होता है। तो हम पाप को ही नहीं करेंगे तो अनाचार और अत्याचार नहीं होगा। आप सब लोग अपने जीवन में इतने शुभ परिणाम बनाएं, जैसे आप लोग अभी शुभ वस्त्रों में शुक्ल वस्त्रों में बैठे हैं, इस प्रकार से आपकी शुक्ल लेस्याएँ हों और आप पीत लेस्या में हो, आपकी जो पीत वर्ण जिसका धर्म ध्यान ही शुभ विचार होता है